मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने शेष बचे। चुनाव नजदीक आते ही नेता वोटर्स को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में बाबाओं का और कदावाचकों का बोलबाला नजर आ रहा है। चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने बाबाओं की शरण ले ली। मध्य प्रदेश को बाबाओं की धरती कहा जाता है, लिहाजा प्रदेश की राजनीति में बाबाओं, साधु महात्माओं की भूमिका काफी अहम मानी जाती है। नेता बाबाओं के दरबार में शरणागत हैं। जनता का राजनीतिक सभाओं से दूरी बनाना और धार्मिक सभाओं में आना इस बात की साफ गवाही देता है कि चुनाव में बाबाओं का क्या रोल रहने वाला है। मध्य प्रदेश के बाबाओं की बात करें तो यहां की 230 विधानसभा सीटों में से करीब 150 से ज्यादा सीटों पर 3 कथावाचकों का अच्छा खासा प्रभाव है। पिछले कुछ समय से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का नाम काफी चर्चाओं में। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने बयानों की वजह से चर्चाओं में आए। कुबेश्वर धाम के पंडित प्रदीप मिश्रा भी अपने धार्मिक कथाओं के साथ साथ घरेलू दिक्कतों के उपाय देने के लिए भी मशहूर हैं। इसके अलावा पंडोखर सरकार के नाम से मशहूर पंडित गुरु शरण शर्मा राजनीति में अच्छा खासा प्रभाव है। इन बाबाओं के लाखों करोड़ों फॉलोवर्स हैं। इनके दरबार में लोगों का भारी हुजूम देखा जाता है। यही कारण है कि वोटर्स को साधने के लिए मंत्री से लेकर विधायक तक कथा करा रहे हैं। बाबाओं के फॉलोवर्स को वोट में बदलने के लिए बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी इसी राह पर चल रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि हिंदुस्तान की राजनीति को बाबाओं ने प्रभावित किया। इससे पहले भी आशाराम, राम रहीम, संत रामपाल, इन सभी का राजनीति में अच्छा खासा प्रभाव देखा गया। इन लोगों ने भी नेताओं को अपने मंचों पर आकर्षित किया है। फिलहाल जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे, इन बाबाओं की डिमांड प्रदेश में और भी बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, माई भारत।